नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, और आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के नियम या प्रभाविता का नियम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेंडल ने अनुवांशिकता से संबंधित कुछ नियमों को प्रतिपादन किया है, इन्हीं नियमों को हम मेंडल के नियम या अनुवांशिकता के नियम के नाम से जानते हैं। ये नियम मुख्य रूप से तीन नियम है। सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम जो है वह है स्वतंत्र अपयूहन का नियम। दोस्तों, आज हम इन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे, और आज हमने लिया है प्रभाविता का नियम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, किसी भी जीव के लक्षणों को निर्धारित करने का जो कार्य है वो जीन के द्वारा किया जाता है। किसी भी जीव के लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य जो है वो जीन के द्वारा किया जाता है, और ये जो जीन है गुणसूत्र के ऊपर स्थित होते हैं। गुणसूत्र के ऊपर एक विशिष्ट बिंदु पर उपस्थित होते हैं, और इस विशिष्ट बिंदु को लोकस कहा जाता है। जीन जो है, या फैक्टर जिसे कहना चाहिए, मेंडल ने जब अपने प्रयोग किया था तब जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने कारक शब्द का इस्तेमाल किया था। तो किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक जो हैं वो अकेले नहीं होते। यहां कारक कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, और दो विपरीत रूपों को प्रदर्शित करते हैं। किसी लक्षण के दो विपरीत रूपों को प्रदर्शित करते हैं, और इन दो विपरीत रूपों को प्रदर्शित करने वाले इन जीन्स या कारकों के जोड़ों को जो है वो एलील्स कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। देखिए, जब किसी लक्षण के दो विपरीत रूप वाले पौधों या जनकों के बीच में, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों या जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में, F1 जेनरेशन में इन लक्षणों में से केवल एक लक्षण ही अपना प्रभाव दिखा पाता है, जबकि एक लक्षण दबा हुआ रह जाता है। जो लक्षण अपना प्रभाव दिखा पाता है उस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण अपना प्रभाव दिखाता है उस लक्षण को क्या कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो अपना लक्षण प्रभाव नहीं दिखा पाता है उस लक्षण को कहते हैं हम अप्रभावी लक्षण। उसे हम क्या कहते हैं भाई, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा इसी बात को आधार बनाकर मेंडल के द्वारा जो नियम दिया गया था उस नियम को कहा जाता है प्रभाविता का नियम। उसे क्या कहा जाता है भाई, प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा लिख लें। नियम के बारे में क्या कहा भाई, हमने नियम के बारे में कहा कि जब एक जोड़ी या दो जोड़ी अथवा अधिक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतति में केवल एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, एक ही जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, इसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, इसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है। तथा दूसरा रूप या दूसरा लक्षण जो दिखाई नहीं देता है उस लक्षण को हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं, तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि प्रभाविता का नियम क्या है। अब मन के थ्रू समझते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है, मेंडल ने जो नियम दिया है वो उसके अनुसार होता है या नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, जरा देखें कि मान के चलिए कि एक प्लांट है और उसमें हम एक लंबा पौधा और बौना पौधे के बीच में आपस में संकरण कराते हैं, बौना पौधे के बीच में आपस में संकरण कराते हैं। ये हो गए पेरेंट्स, और लंबा पौधे का जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी, जबकि बौने पौधे का जो जीनोटाइप है उसे हम स्मॉल टी मान लेते हैं। जब ये लंबे पौधे का जो गैमेट्स बनेंगे वो एक ही प्रकार के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी वाले
जबकि बौने पौधे का जो गैमेट बनेंगे वो भी एक ही प्रकार के होंगे, और ये हो गए इसके गैमेट्स। जब इनको आपस में मिला दिया जाता है तब ऐसी अवस्था में कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले संकर लंबे पौधे का निर्माण होता है। संकर लंबा पौधा का निर्माण होता है। इस जेनरेशन को हम F1 जेनरेशन कहते हैं। तो भाई हमने क्या देखा कि जब एक जोड़ी विपर्यायी लक्षणों के मध्य आपस में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण के द्वारा दूसरे लक्षण को दबा दिया जाता है। जो लक्षण दिखाई देता है वह लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है, तथा जो लक्षण दिखाई नहीं देता है वह लक्षण क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। तथा इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब F1 जेनरेशन के संततियों के बीच में संकरण स्व परागण कराया जाता है, स्व परागण कराने पर, अब जरा इसको देखें हम कि स्व परागण कराने पर क्या वास्तव में होता क्या है। अब यहां पर ये स्व परागण कराने पर कैपिटल टी स्मॉल टी अब ये क्या होगा भाई, ये हो गए इस पेरेंट्स के रूप में काम करेंगे। अब इनसे कितने प्रकार के गैमेट बने? दो प्रकार के, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। यहां पर भी यही चीज होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गए इनके गैमेट्स। वहीं पर अगर हम इनको आपस में मिला दें तो क्या बन रहे हैं? कैपिटल टी जीनोटाइप वाले पौधे का निर्माण होगा। फिर हमने यहां पर देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां पर हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, और साथ में स्मॉल टी जीनोटाइप वाले पौधे का निर्माण हुआ। इस प्रकार ये जो जनरेशन बनी इसको हम F2 जनरेशन नाम दे देते हैं। अब अगर हम इनका रेशो देखें तो ये पौधा कैसा है भाई? ये पौधा है शुद्ध लंबा पौधा। यहां पर अगर हम देखें तो ये है संकर लंबा पौधा, और यहां पर ये देखें तो शुद्ध बौना पौधा। अगर हम इसके जीनोटाइप अनुपात की बात करें भाई, तो यहां पर कितने प्रकार के अनुपात प्राप्त हो रहे हैं हमको? 1:1, 2:3, क्योंकि एक जो पौधा है वो कैसा है? 25% कैसे है? शुद्ध लंबे पौधे हैं। 50% कैसे हैं? संकर लंबे पौधे हैं, जबकि 25% कहते हैं शुद्ध बौने पौधे। वहीं पर अगर हम फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप रेशो देखें, तो फिनोटाइप रेशो की अगर हम बात करें तो लंबे पौधे कितने हैं भाई? 75%, मतलब 3:1 का रेशो प्राप्त होता है। दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा प्रभाविता का नियम क्या है। बहुत ही इजी नियम है, आसानी के साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, जरूर इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए नियम के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।